तो पिछली वीडियो में हम गए थे हल्द्वानी से धूनागिरी माता मंदिर और मैंने कराए थे आपको मंदिर के दर्शन। अब आगे तो अभी हम पहुंचे हैं बागनाथ मंदिर गरुड़ और आसपास का माहौल कुछ ऐसा है। ये है पुल, इसको पार करके हम उधर से आए विजय नदी और बढ़ रहे हैं आगे मंदिर की तरफ। ऐसा है कुछ रास्ता। तो मंदिर है गरुड़ में, यहाँ से बागेश्वर होता है करीब 35 से 40 किलोमीटर। तो मंदिर में दर्शन करके फिर बढ़ते आगे बागेश्वर के लिए। आज अपना स्टे बागेश्वर में ही है। चलो अभी दिखाता हूँ आगे कि बागनाथ मंदिर कैसा है। यहाँ से दिखने लग गया मंदिर, तो अब चलो आगे दिखाता हूँ। बैजनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में स्थित है। यह मंदिर गरुड़ तहसील से 2 किलोमीटर की दूरी और 1126 मीटर की ऊंचाई पर गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। बागेश्वर जिला गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी शहर है। बैजनाथ मंदिर कत्यूरी राजाओं द्वारा 11वीं सदी में बनाया गया था। बैजनाथ मंदिर को प्राचीन समय में कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले बैजनाथ शहर को कत्यूरी राजा नरसिंह देव ने अपनी राजधानी बनाया था। फिर कत्यूरी राजवंशों में यह शहर राजधानी बना रहा। कत्यूरी राजवंशों ने यहाँ पर 7वीं व 13वीं शताब्दी के दौरान शासन किया। उस दौरान मंदिर का पुनर्निर्माण भी किया गया। कत्यूरी साम्राज्य के अंतिम राजा भीरदेव सिंह की मृत्यु के बाद कत्यूरी राजवंश समाप्त हो गया। उसके बाद चंद राजवंशों के लोगों ने इस मंदिर की देखभाल की। मंदिर के पुजारी जी ने हमें बताया कि अभी सिर्फ 2 मंदिरों में ही पूजा पाठ होती है। नेम? पूरा फुल नेम बताओ। भारवी तिवारी। अच्छा आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? लाइट, लाइट जलती है, कैमरा है ये। आप कहाँ जा रहे हो बताओ? बागेश्वर। आप यहाँ बैठो। ये है अंडरग्राउंड पूरा, यहाँ वॉशरूम, बाहर एक और वॉशरूम, और ये है एक रूम, हो गई यहाँ पे लाइट। बिल्कुल ट्रेडिशनल पहाड़ी घर जैसे पहले होते थे वैसा है, बहुत सुंदर। ये है एक, अभी दिखाता हूँ दूसरा। तो ये हमारा आज का स्टे। ये दूसरा रूम, ये है मेरे जीजा श्री का ननिहाल। आज है day 2 और माहौल कुछ ऐसा आस पड़ोस में। यहाँ ले रहे हैं चाय की चुस्की और पूरा फॉग लगा है आस पड़ोस।
बागेश्वर में पार्किंग की बहुत दिक्कत, तो यहाँ गाड़ी पार्क करके आगे जा रहे हैं हम बागनाथ मंदिर की ओर। यहाँ पार्किंग वहाँ कर नहीं सकते मंदिर के आगे, इसलिए पहले ही पार्क करके अब बढ़ते हैं आगे। बारिश थक गई हैं? थक गई है तभी तो गोदी चल रही है, थक गई है शायद। अतीत में कत्यूरी शासकों की राजधानी रहे बागेश्वर में भगवान बागनाथ का प्रख्यात धाम है। बागेश्वर में भगवान शंकर ने बाघ के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए प्राचीन काल में इसका नाम ब्यागेश्वर पड़ा, बाद में इसे बागेश्वर कहा जाने लगा। स्कंद पुराण के मानस खंड में उल्लेख मिलता है कि मुनि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली सरयू को ला रहे थे। जैसे ही सरयू गोमती और लुप्त सरस्वती के संगम पर पहुंची, तो ब्रह्म कपाली के पास ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग न हो, इसलिए सरयू पर्वत के पास रुक गई। देखते ही देखते जल भराव होने लगा। नदी का प्रवाह रुकने से चिंतित ऋषि वशिष्ठ ने भगवान शंकर की आराधना की। वशिष्ठ की आराधना से प्रसन्न शंकर भगवान बाघ और माता पार्वती गाय का रूप धारण कर प्रकट हुए। शिव रूपी बाघ ने गाय को झपटने का प्रयास किया, गाय डरने लगी। गाय की आवाज़ सुनकर ऋषि मार्कंडेय मुनि की आंखें खुल गई, वह गाय को बचाने के लिए दौड़े। भगवान शंकर और माता पार्वती अपने मूल स्वरूप में सामने आए। मार्कंडेय ऋषि भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में लौट गए। भगवान शंकर और माता पार्वती ने उन्हें ऋषि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया और इसके प्रख्यात सरयू आगे बढ़ने लगी। ये देखो यहाँ जा रहा है शिविर का पानी, ये मिल रहा है नदी के संगम में। भगवान को तो हम पूज ले रहे हैं, नदियों का ये हाल है। तो यहाँ पे दो नदी का संगम होता है, एक है गोमती और दूसरी है सरयू, और बोलते हैं कि तीसरी नदी भी यहाँ पे मिलती है, भागीरथी, जो कि गुप्त है। तो ये है कुछ ऐसा यहाँ का महत्व। और जो आपको यहाँ पर लाइन जैसे दिख रही है, यहाँ पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे मेला लगता है उत्तरायणी का, तो उसके लिए दुकानों के लिए यहाँ पे इन्हें लगा रखा है। और काफ़ी भव्य मेला होता है यहाँ पे जो लगता है। बट ये चीज़ तो बड़ी बेकार लगी यार, देखो शिविर का पानी जा रहा है यार, मतलब क्या ही बोले, मतलब छी, बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को ये देख के, बट यही सत्य है। पिछली बार 2020 में आया था, तब यहाँ पे पुल नहीं था, अब ये नया बनाया है शायद। Thank you.
बागनाथ मंदिर के दर्शन करके हम बढ़े आगे चंडिका मंदिर की तरफ। बागेश्वर नगर के भीलेश्वर पहाड़ी पर स्थित है माता चंडिका का मंदिर और उन्हें बागेश्वर की नगर देवी का भी दर्जा प्राप्त है। माता चंडिका को चंद शासकों के कुल पुरोहित पांडे वंशजों ने चंपावत से यहाँ लाकर स्थापित किया था। वर्ष भर जिले के भक्तजन माता के दरबार में आकर पूजा करते हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्र में मंदिर में भक्त अधिक संख्या में आते हैं। इस दौरान भजन कीर्तन कर माँ चंडिका की आराधना की जाती है। शंभु शंभु वाओ। क्या है ये? देखूंगा। क्या है बताओ? देखा। है क्या ये? क्या? क्या है बताओ? क्या? क्रीम रोल है। क्रीम रोल। हाँ। क्रीम रोल। चंडिका माता के कर लिए दर्शन और देख लिया बागेश्वर का पूरा एरियल व्यू। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे गंगोली हाट के लिए, पाताल भुवनेश्वर मंदिर जाने के लिए। तो बस यही है, सुबह के बज रहे हैं अभी 10, अभी चाय पीते हैं कहीं पे, फिर आगे की जर्नी को शुरू करते हैं। और व्यू कुछ ऐसा है आस पड़ोस में, यहाँ खड़ी है कार, यहाँ पे थोड़े बहुत दिख रही हिमालय रेंज और यहाँ पे है हमारा प्यारा मंदिर। और इस रास्ते में वापस जाएंगे आगे को। भारवी, ये ब्लू कार है ना? ब्लू ब्लू है ना? ब्लू वाइट है, ब्लू है शायद ना? है? क्या है? वाइट। यहाँ देख के बताओ, वाइट है? वाइट है। आप क्या खा रहे हो? ये दलाती। क्या है ये? है? क्या है ये? क्या? बताओ क्या है? क्या? बताओ, नहीं पता आपको? क्या? नहीं पता शायद। क्रीम रोल है ये? क्या है? क्रीम बॉल है। अच्छा, तो अभी निकल गए थे चंडी माता मंदिर से गंगोली हट की तरफ, बीच में लिया एक रास्ते में एक छोटा सा चाय ब्रेक। यहाँ से व्यू दिखा दो, क्या गजब व्यू है ये देखो, पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है, क्या मस्त है। तो बस यहाँ पे चाय पराठे खा के आगे बढ़ते हैं। तो पताल भुवनेश्वर से 4-5 किलोमीटर पहले हमारा हो गया पोपट और हमारा टायर हो गया पंचर। ये रोड बहुत ख़राब है और यहाँ पे बहुत सारे खड्डे भी हैं और बहुत सारी पुलिया का काम भी चल रहा है। पता नहीं क्या सरिया लगा, पता नहीं क्या लगा, जो भी था आगे के टायर में लगा और हमने आज तक अभी स्टेप नहीं लगाई नहीं थी, तो अपनी इंजीनियरिंग दिमाग को यूज़ करके हमने स्टेप नहीं लगाई और फिर आगे बढ़े अपने मंदिर की तरफ को। चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अब आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और कराते हैं पताल भुवनेश्वर के दर्शन। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।